हेलो पेरेंट्स, गर्भ संस्कार क्या है? व्हाट इज गर्भ संस्कार? तो उसके बारे में हम समझेंगे। एज अ पेरेंट आपको मालूम होना चाहिए कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो गर्भ संस्कार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दो शब्द से बना हुआ है, गर्भ और संस्कार। उसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गर्भ क्या है? गर्भ यानी फिटस, जो आप सब लोग जानते ही है। अब संस्कार क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है, संस्कारो ही गुणांतराधानम, यानी एक क्वालिटी का दूसरी क्वालिटी में कन्वर्जेशन होने की जो प्रोसेस है उसको संस्कार कहा जाता है। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। जैसे कि हम सब खाना तो बनाते ही है, तो जैसे कि दाल बनानी है या भिंडी बनानी है तो हम वहां पे तड़का डालते हैं। जैसे कि दाल बनाते हैं तो हम हींग का तड़का डालते हैं, और अगर भिंडी बनानी है तो हम या तो मेथी डालते हैं या तो फिर हम हींग डालते हैं। बट बेसिकली माई क्वेश्चन इज दैट कि हम तड़का क्यों डालते हैं? क्या सिर्फ टेस्ट के लिए या फिर फ्लेवर के लिए डालते हैं? नहीं, तड़का आयुर्वेद के अनुसार हम इसलिए डालते हैं कि भिंडी भी वायु का एग्रीवेशन करती है और दाल भी बॉडी में जाके वायु का एग्रीवेशन करती है, यानी हमें गैस हो सकता है। तो जब हम तड़का डालते हैं तो वो बॉडी में जाके वायु ना करे, इस प्रपोर्शन में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे दाल तो खानी ही है, भिंडी भी खानी है, बट बॉडी में जाके हार्मफुल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम उसको तड़का कर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम भिंडी भी खाते हैं या दाल भी खाते हैं, वो बॉडी में जाके हमें वायु नहीं करती, यानी गैस नहीं करती है। दूसरा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। जैसे कि हम चावल बनाते हैं यानी राइस बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले हम चावल को लेते हैं, उसको अच्छे से साफ करते हैं, फिर पानी से धोते हैं, फिर उसको गर्म पानी में डालते हैं, और जब राइस बन जाता है तब जाके हम उसको कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं। तो चावल में से राइस बनने की जो प्रोसेस है उसको संस्कार कहते हैं। शॉर्ट में, जो क्वालिटी बच्चे में लानी है उसको लाओ, जो नहीं लानी उसको निकाल दो, दैट इज संस्कार। यानी गर्भ संस्कार का अगर हम उसका मीनिंग प्रॉपर वे समझे तो एज अ पेरेंट आपको जो क्वालिटी बच्चे में लानी है उसको लाओ, जो नहीं लानी है उसको निकाल दो, दैट इज गर्भ संस्कार। अल्टीमेटली वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग ऑफ द बेबी ड्यूरिंग वोम। आप बच्चे का वोम में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो गर्भ संस्कार का यही मीनिंग है। एज अ पेरेंट आपको जो क्वालिटी लानी है उसको लाइए, और जो नहीं लानी है उसको निकाल दिए, दीजिए, दैट इज गर्भ संस्कार।